शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाए उसके वाक़े होने में कुछ झूठ नहीं, किसी को पस्त करे किसी को बुलंद। जब जमीन भौंचाल से लरजने लगे और पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाएं, फिर गुबार होकर उड़ने लगे और तुम लोग तीन किस्म हो जाओ, तो दाहिने हाथ वाले सुभान अल्लाह, दाहिने हाथ वाले क्या ही चैन में है, और बाएं हाथ वाले अफसोस, बाएं हाथ वाले क्या गिरफ्तार अजाब है। और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, वही खुदा के मुकर्रब है। नियामत की बहिश्तों में वो बहुत से तो अगले लोगों में से होंगे और थोड़े से पिछलों में से। लाल और याकूत वगैरह से जड़े हुए तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे उनके आस पास फिरेंगे, यानी आप खोरे और आफ्ताबे और साफ शराब के गिलास ले लेकर, उससे ना तो सर में दर्द होगा और ना उनकी अकलें जायल होंगी, और मेवे जिस तरह के उनको पसंद हो, और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे, और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें जैसे हिफाजत से तय किए हुए आबदार मोती। ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे, वहाँ न बेहुदा बात सुनेंगे और न गाली गलोच। हाँ, उनका कलाम सलाम सलाम होगा। और दाहिने हाथ वाले सुभान अल्लाह, दाहिने हाथ वाले क्या ही ऐश में हैं, यानी बेखार की बेरियों और तय बतय केलों और लंबे लंबे सायों और पानी के झरनों और मेवहाए कसीरा के बागों में, जो न कभी खत्म हो और न उनसे कोई रोके, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में हमने उन हूरों को पैदा किया तो उनको कमारियां बनाया, और शोहरों की प्यारियां और हम उम्र, यानी दाहिने हाथ वालों के लिए ये बहुत से तो अगले लोगों में से हैं और बहुत से पिछलों में से, और बाएं हाथ वाले अफसोस, बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में हैं, यानी दोजख की लपट और खौलते हुए पानी में और स्याह धुएं के साये में, जो न ठंडा है न खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐश नईम में पड़े हुए थे और गुनाह अजीम पर अड़े हुए थे, और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां रह गए तो क्या हमें फिर उठना होगा, और क्या हमारे बाप दादा को भी। कह दो कि बेशक पहले और पिछले सब एक रोजे मुकर्रर के वक्त जमा किए जाएंगे, फिर तुम ऐ झुटलाने वाले गुमराहो थोहर के दरख्त खाओगे और उसी से पेट भरोगे और उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, और पियोगे भी तो इस तरह जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। जजा के दिन ये उनकी ज़ियाफ़त होगी। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते। देखो तो कि जिस नुतफे को तुम औरतों के रहम में डालते हो, क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं। हमने तुम में मरना ठहरा दिया है और हम इस बात से आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे जहान में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं। भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं। अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें और तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो मुफ्त तावान में फंस गए, बल्कि हम हैं ही बेनसीब। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं। अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते। भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं। हमने उसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है, तो तुम अपने परवरदिगार बुजुर्ग के नाम की तस्बीह करो। हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक है, परवरदिगार आलम की तरफ से उतारा गया है। क्या तुम इस कलाम से इनकार करते हो और अपना वजीफा ये बनाते हो कि इसे झुटलाते हो। भला जब रूह गले में आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले से तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो रूह को फेर क्यों नहीं लेते। फिर अगर वो खुदा के मुकर्रबों में से है तो उसके लिए आराम और खुशबूदार फूल और नेमत के बाग हैं। और अगर वो दाएं हाथ वालों में से है तो कहा जाएगा कि तुझ पर दाहिने हाथ वालों की तरफ से सलाम। और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से है तो उसके लिए खौलते पानी की ज़ियाफ़त है। और जहन्नम में दाखिल किया जाना, ये दाखिल किया जाना यकीनन सही यानी हक़ुल यकीन है। तो तुम अपने परवरदिगार बुजुर्ग के नाम की तस्बीह करते रहो।